अभिनंदन है आपका मानचित्र में। मेरा नाम है अभिषेक बारेट। दुनिया के मानचित्र में अक्षांश और देशांतर के बीच फैली कहानियों के विश्लेषण में आप हमारे साथ सफर पर रवाना हो रहे हैं। दुनिया में 60 लाख यहूदियों के कातिल के रूप में कुख्यात जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लेरोटो पेटाची को उनके विरोधियों के द्वारा 28 अप्रैल 1945 को बेहद दर्दनाक ढंग से मारे जाने की खबर मिली और हिटलर इससे बेचैन हो गया। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को उनकी प्रेमिका क्लेरोटो पेटाची के साथ स्विट्जरलैंड के पास लगते डोंगो कस्बे के निकट पार्टीजन के नाम से कुख्यात उनके विरोधियों ने पहले गोली मारी और सुबह के तकरीबन 3 बजे मिलान शहर के पियाजाले चौक में गोली मार कर फेंक दिया। बेनिटो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लेरोटो पेटाची को टखनों से बांधकर पहले ऊंचा लटका दिया गया। इस दौरान क्लेरोटो का स्कर्ट ऊंचा हो गया और जिसके नीचे वो नग्न थी। लोगों में इतना गुस्सा था कि स्कर्ट को टांगों पर बांधा गया और मुसोलिनी को सिर और क्लेरोटो को सीने में फिर गोलियां मारी गई। लेकिन ये बर्बरता हिटलर के साथ भी मित्र देशों की सेनाएं कर सकती थी और इसी बात से हिटलर बेचैनी के मारे पागल हो रहा था। मुसोलिनी के बर्बर अंत ने शायद उसे अंदर तक हिला दिया था। हिटलर की तानाशाही के सामने मुसोलिनी की तानाशाही फीकी थी। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर से लेकर युद्ध और अमानवीय यातनाओं के साथ मारा था। 60 लाख यहूदियों की हत्या लगभग एक भारतीय राज्य झारखंड की पूरी जनसंख्या को खत्म कर देने के बराबर है। एडोल्फ हिटलर ने ऐसी मौत से आत्महत्या को ज़्यादा अच्छा चुनाव मानते हुए उसी दिन आत्महत्या का फैसला कर लिया था। इस बात को मुसोलिनी के अंत से ठीक ठीक जोड़कर भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 25 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी की हत्या से 3 दिन पहले ही हिटलर ने अपने अंगरक्षक हीसलिंगे को कहा था कि अगर मैं खुद को गोली मार लूं, तो मेरे मरे हुए शरीर को बगीचे में ले जाकर मेरी फौजी पोशाक और ज़रूरी दस्तावेजों और मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई हर चीज़ को तेल डालकर जला देना। और साथ ही साथ हिटलर ने हीजलिंगे को ये भी समझाया कि मेरे शरीर की पहचान किसी भी सूरत में ना हो पाए। तुम्हें जो नहीं करना है वो ये है कि ऑयल पेंट से बनी फ्रेडरिक द ग्रेट की पेंटिंग को तब तक संभाल कर रखना है जब तक मेरा निजी ड्राइवर उसे वापस बर्लिन लेने यहाँ न पहुँचे। फ्रेडरिक महान का ये चित्र अंटन ग्राफ ने बनाया था। हिटलर ने 20 अप्रैल को अपना 56वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन ये उसके नाजी जीवन का सबसे कमज़ोर जन्मदिन था और आखिरी भी। ये आखिरी था जब हिटलर आखिरी बार बंकर से बाहर कुछ देर नज़र आया था। उसने सोवियत संघ से लड़ रहे अपने कुछ सैनिकों को इस अवसर पर आयरन क्रॉस सम्मान भी प्रदान किया। हिटलर ने अपने अंत का मन बनाते हुए कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि इस वजह से हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि मैं केवल घायल होकर रूस के लोगों के हाथों लग जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन मेरे शरीर को अपमानित करें। मैंने आदेश दिया कि मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। ब्राउन ने मेरे साथ जीवन का अंत करने का फैसला किया है। जिस ब्राउन का जिक्र हिटलर कर रहे थे वो उनकी प्रेमिका थी और 30 अप्रैल को कुछ घंटों के लिए वो उनकी पत्नी भी बनी। बर्लिन की लड़ाई को शुरू हुए 4 दिन बीत रहे थे। 20 अप्रैल हिटलर की इस घोषणा से ठीक 4 दिन पहले ही 16 अप्रैल को ये लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन हिटलर के पास मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए अब सेना नहीं बची थी। 20 अप्रैल को 56वें जन्मदिन की इस मामूली पार्टी में हिटलर ने घोषणा कर दी कि वो जंग हार चुके हैं। हिटलर ने जिसने लाखों लोगों को तड़पा कर मारा वो अपने चिकित्सक से आसान मौत के तरीके पूछ रहा था। हिटलर के निजी चिकित्सक ने उनको सलाह दी कि वो या तो खुद को गोली मार सकते हैं या साइनाइड की गोली खाई जा सकती है, लेकिन हिटलर ने कहा कि वो साइनाइड की गोली के असर को पहले आजमाना चाहता है।
हिटलर की पालतू जर्मन शेफर्ड ब्रीड की कुतिया ब्लॉन्डी को ये गोली खिलाई गई और हिटलर को बताया गया कि ब्लॉन्डी ने कुछ ही सेकंड्स में दम तोड़ दिया है, लेकिन हिटलर और आसान मौत चाहते थे। हिटलर का अपने अंतिम दिनों में पुराना व्यवहार पूरी तरह असामान्य नजर आने लगा था। वो अब एक जीवन हार चुका बूढ़ा व्यक्ति बचा था। उनकी डिक्टेटरशिप उसमें नजर ही नहीं आ रही थी, जिसके बूते वो दुनिया का सबसे क्रूरतम तानाशाह बना था। एडोल्फ हिटलर के चेहरे ने उनकी असली उम्र को भी मात दे दी थी। हिटलर ने मैले कपड़ों को धुलवाने तक की चिंता नहीं की। हिटलर के आखिरी दिनों की हालत का वर्णन हिटलर पर लिखी मशहूर किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर लिखने वाले रॉबर्ट पेन ने बयान करते हुए लिखा है, तब तक हिटलर का चेहरा सूज गया था और उसमें अनगिनत झुर्रियां पड़ गई थी। उनकी आंखों में जीवन जाता रहा। कभी कभी उसका दाहिना हाथ बुरी तरह से कांपने लगता था और उस कपकपी को रोकने के लिए वो उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ता था। रॉबर्ट पेन लिखते हैं कि हिटलर किसी बूढ़े गिद्ध की तरह अपने कंधों के बीच अपने सिर को झुकाता था और उसकी चाल लड़खड़ाने लगती थी। किताब में लिखा है, शायद एक बम विस्फोट में उसके कान की एक बारीक झिल्ली को हुए नुकसान की वजह से ऐसा हुआ था। वो थोड़ी दूर चलते और रुककर किसी मेज का कोना पकड़ लेते। 6 महीनों के अंदर वो 10 साल बूढ़े हो गए थे। इन आखिरी दिनों में हिटलर चांसलरी के बगीचे में कुछ एक बार अपनी जर्मन शेफर्ड कुतिया ब्लॉन्डी के साथ नजर आए, लेकिन 50 फीट जमीन में बने बंकर में ही उनके दिन बीते। चांसलरी का ये बगीचा सिर्फ कहने भर को बाग बचा था, जबकि यहाँ पर बमों के हमले से ध्वस्त हुए मकानों के मलबे के अलावा बाग जैसा कुछ नहीं था। हिटलर 5 बजे सुबह सोने के लिए अपने पलंग पर जाते और दोपहर तक 1 बजे के आसपास सोकर उठते थे। दूसरी तरफ मित्र देशों की सेनाएं करीब आती जा रही थी। तेज होते धमाकों और गोलीबारी से इस बात को ठीक ठीक समझा जा सकता था। क्लाउडी जुंगा, जो आखिरी पलों तक हिटलर के साथ रही, उनके अनुसार हिटलर को लगता था कहीं ना कहीं कोई उन्हें बचा लेगा। इसलिए हिटलर ने 22 अप्रैल को क्लाउडी समेत हिटलर के साथ मौजूद सभी लोगों से कहा कि वो सभी चाहें तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हैं। क्लाउडी और हिटलर की प्रेमिका ईवा ब्राउन ने सबसे पहले उनका साथ छोड़ने से साफ इनकार किया। हिटलर ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी करेंगे ताकि इस रिश्ते को पति पत्नी के रूप में मान्यता मिल सके। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब के लेखक रॉबर्ट पेन ने लिखा है कि शादी का फैसला ले लिया गया था, लेकिन सवाल ये था कि शादी करवाएगा कौन। कोयबेल्स को ख्याल आया कि किन्हीं वॉल्टर वैगनर ने उनकी शादी करवाई थी। दिक्कत ये थी कि उनको ढूंढा कैसे जाए। उनके आखिरी पते पर एक सैनिक को भेजा गया। शाम को बड़ी मुश्किल से उन्हें हिटलर के बंकर में लाया गया, लेकिन वो अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लाना भूल गए थे। इसे बाद में वापस जाकर लाया गया, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगा क्योंकि सड़कों पर भारी सोवियत गोलाबारी से चलना तक मुश्किल था। जब तक सर्टिफिकेट आया तब शादी समारोह की पार्टी शुरू हो चुकी थी। पेन आगे लिखते हैं, शादी के सर्टिफिकेट पर एडोल्फ हिटलर का हस्ताक्षर एक मरे हुए कीड़े की तरह नजर आ रहा था। ईवा ब्राउन ने एक बार शादी से पहले वाला अपना नाम ब्राउन लिखना चाहा। उसने बी लिख भी दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि आखिरकार हिटलर के नाम के साथ अपना नाम लेने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो रहा था। फिर उसने बी को काटा और फिर साफ साफ ईवा हिटलर ब्राउन लिखा। नाजी प्रोपेगेंडा मंत्री जोसेफ गोएबेल्स ने मकड़ी के जाले जैसा हस्ताक्षर किया और नाम के पहले वो डॉक्टर लगाना नहीं भूले। सर्टिफिकेट पर तारीख लिखी थी 29 अप्रैल, जो कि गलत थी क्योंकि शादी होते होते रात के 12:25 हो चुके थे। कायदे से उस पर 30 अप्रैल लिखा जाना चाहिए था। इस शादी में कुल 7 व्यक्ति शामिल हुए थे, जिनमें बॉर्मन गोएबेल्स, मागदा गोएबेल्स, जनरल क्रेब्स, जनरल बर्गडॉर्फ, हिटलर की 2 निजी सचिव और उनका एक बावर्ची भी शामिल हुआ। इस दौरान मौजूद लोगों ने शराब भी पी। ईवा ब्राउन ने शैंपेन कुछ ज़्यादा पी तो हिटलर ने भी शैंपेन का एक घूंट लिया। हिटलर लगातार अतीत की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में बात की कि जब वो गोएबेल्स की शादी में गए थे। कुछ देर बाद हिटलर के बर्ताव में बदलाव आ गया और वो बोले,
सब खत्म हो गया, मुझे हर एक ने धोखा दिया। 30 अप्रैल के दिन 2:30 पर हिटलर ने अपने जीवन का आखिरी भोजन इस आदेश के साथ किया कि 200 लीटर पेट्रोल के बड़े जार भरकर उन्हें बाहर के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। ये आदेश ऑटो ग्वेंशे को दिया गया था। हिटलर की जीवनी लिखने वाले यान कर्शा लिखते हैं, ग्वेंशे ने जब हिटलर के शौफर एरिक कैंपका को इस बारे में फ़ोन किया तो कैंपका हंसने लगे। उनको पता था कि चांसलरी में पेट्रोल की कितनी किल्लत है। वो बोले, किसी को 200 लीटर पेट्रोल की क्यों ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ग्वेंशे ने आदेश के लहजे में कहा कि ये हंसने का समय नहीं है। कैंपका ने बहुत मुश्किल से 180 लीटर पेट्रोल का इंतज़ाम किया। भोजन के ठीक बाद पत्नी ईवा ब्राउन के साथ हिटलर एक बार आखिरी बार सभी से मिले। उस दिन सभी से मिलने के वक्त में हिटलर ने चटक नीले रंग की पोशाक पहनी थी और अपने इटालियन जूतों के साथ वो बीते कुछ दिनों में अच्छे नज़र आ रहे थे। हिटलर और ईवा ब्राउन वापस बंकर में चले गए और हिटलर का अंगरक्षक ग्वेंशे दरवाजे के पास खड़ा रहा। लेकिन कुछ ही देर में मागदा गोएबल्स चिल्लाते हुए दरवाजे तक आ गई और ग्वेंशे से कहा कि हिटलर को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ग्वेंशे ने मागदा का संदेश हिटलर तक पहुंचाया कि वो उनसे मिलना चाहती है, लेकिन हिटलर ने किसी से भी उस वक्त मिलने से इनकार कर दिया। ग्वेंशा को ईवा ब्राउन नज़र नहीं आई, वो शायद उस वक्त बाथरूम में थी। बाहर खड़े हिंजेलिंगे को कुछ देर बाद गोली चलने से उठी बारूद की गंध से ही ये पता चल पाया कि अंदर गोली चली है। हिटलर ने गोली चलाई, उसकी आवाज़ बाहर नहीं सुनाई थी। अंदर जाने पर सामने का दृश्य था कि हिटलर का चेहरा मेज पर गिरा हुआ था और दूसरी तरफ साइनाइड खाकर ईवा ब्राउन ने सोफे पर जान दे दी थी। उनका शव सोफे पर पड़ा था और घुटने छाती तक मुड़े हुए थे। ईवा ने भी उस दिन नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। बगल में पड़ा गुलदस्ता उनके हाथ के धक्के से नीचे गिरा हुआ था। इसके बाद हिटलर और ईवा ब्राउन के शव को बंकर के बाकी लोग एक बगीचे में ले गए, जैसा कि पहले से ही हिटलर के आदेशानुसार तय था। वहां उस पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें नाकामयाबी हाथ लगी। संभवतः ऐसा जल्दबाजी की वजह से हुआ था, क्योंकि सोवियत संघ के जवान उस तरफ तेजी से आ रहे थे। हिटलर के सैनिक पास बने एक गड्ढे में खींच कर उन्हें ले गए, जहाँ उसे आखिर में जला दिया गया। अगले दिन रेडियो से हिटलर की मौत की घोषणा की गई। हिटलर की जीवनी लिखने वाले यान कर्शा लिखते हैं, जैसे ही शवों को आग लगाई गई, वहां मौजूद सभी लोगों ने हाथ ऊंचे कर हेल हिटलर कहा और वापस अपने बंकर में लौट गए। यान ने इस जीवनी में आगे लिखा है, जब लपटें कम हुई तो उन पर और पेट्रोल डाला गया। 2.5 घंटे तक लपटें उठती रही। कुछ दिनों बाद जब सोवियत जांचकर्ताओं ने हिटलर और उनकी पत्नी ईवा के अवशेषों को बाहर निकाला तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। वहां एक डेंटल ब्रिक जरूर मिला। 1938 से हिटलर के दंत चिकित्सक के लिए काम करने वाले एक शख्स ने इस बात की पुष्टि की कि वो डेंटल ब्रिक हिटलर के थे। हिटलर की मौत के बाद 8 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह यहूदियों के कातिल कहे जाने वाले हिटलर ने दुनिया को अलविदा कहा। यहूदियों के खात्मे का उनका सपना, जो वर्साय की संधि की निराशा से उपजा था, वह आखिरकार खत्म हो गया था।